लेती हूँ। बरसात के इस ठंडे ठंडे मौसम में अगर आपको ऐसे क्रिस्पी वाले कटलेट मिल जाए और वो भी पोहे से बनाए हुए, तो इसका मजा ही कुछ और है। ये कटलेट आप चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व कर सकते हो और बच्चों को ये टिफिन में देने के लिए भी बहुत इजी है, बनाने में भी आसान है और रेडी भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये कटलेट मैंने कैसे बनाए हैं, इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है, अगर ये आपको जानना है तो ये जो मेरा वीडियो है ये आप लास्ट तक देखिए। और जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ अगर वो आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। पोहा यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे एक कटोरी सूजी डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें मैं आधा कटोरी दही डालने वाली हूँ। और अब हमें इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देना है और जरूरत पड़ने पर हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने दही, सूजी और पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी और एक बार इसे हम मिक्स करेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है, एकदम से नहीं डालना है, और इसमें थोड़ा पानी जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब इसमें कुछ मसाले हम डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं भुने हुए जीरे की पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच। इसी के साथ इसमें हल्दी जाएगी आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच मैं डालने वाली हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा आधा चम्मच, भुने हुए धनिया और जीरे की पाउडर मैं इसमें डालने वाली हूँ अभी, ये भी मैं आधा चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ, और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे मैं नमक ऐड करने वाली हूँ। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे हाथ से ही मिक्स करना है ताकि इसकी टिक्कियां हम अच्छे से बना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पैन को रख दिया है, इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। इसकी हम एक लोई लेंगे, ये जो टिक्की है इसे अगर आप शेप दे पाते हो तो आप दे सकते हो, वरना चम्मच के सहायता से भी हम इसे ऐसे ही इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे हम और थोड़ा तेल डाल देंगे ऊपर से, हम साइज की टिक्कियां हमें इसमें बनानी है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई के बीच में रख रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो एक नीचे की साइड अब हम चेक कर लेते हैं। मैं चम्मच के सहायता से इसे ऐसे ही अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे रेडी हो गए नीचे की तरफ से। अब हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे इन टिक्कियों को मैंने पलट दिया है। अब फिर से इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल दूंगी और अब इसे हम अच्छे से एक 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी टिक्कियां है ये रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से क्रिस्पी भी हो गई है। और अब इसी तरीके से मैं बाकी की भी टिक्कियां रेडी कर